हेलो रॉकस्टार्स, वेलकम टू रेनिट्स किचन। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे आज रेनिट सर स्टूडियो में ना होके किचन में क्या कर रहे हैं। तो गाइज, बहुत सिंपल सी बात है, मैं जो मेरा नॉर्मल रूटीन है उसके हिसाब से सुबह उठ के चाय पीता हूँ। तो मैंने सोचा आज यार क्यों ना चाय पीने के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि इसे बनाते कैसे। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार चाय तो हमारे घर में बहुत पहले से बनती आ रही है और मेरी मम्मी सबसे बढ़िया चाय बनाती है। तो मैं एक बात बता दूँ, ये वो चाय नहीं है, ये वो चाय है जो हर एक सिंगर को पीनी चाहिए अगर वो चाहता है कि उसका गला एफिशिएंटली और सही तरीके से काम करता रहे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि यार मैं चाय पीता हूँ तो मेरे गले में खिचखिच होने लगती है या कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से आप चाय पीते हो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, जबकि चाय पीने से आपके गले में एक गर्माहट आनी चाहिए और आपका गला और अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। तो क्या वो डिफरेंस है, क्यों एक चाय तो आपको नुकसान पहुंचाती है और एक चाय जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपको बहुत फायदा देती है, स्पेशली उन लोगों को जिनको कोल्ड कफ साइनोसाइटिस सब की प्रॉब्लम रहती है और सुबह उठते हैं नाक बंद रहता है, गला बंद रहता है, आवाज़ नहीं निकलती है अच्छे से, बहुत भारी रहती है। तो उन लोगों के लिए ये जो चाय मैं बनाने जा रहा हूँ ये काफ़ी काम आने वाली है। तो ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको चाहिए होगा फ्रेश तुलसी लीव्स, ये आपको अपने घर पर मिल जाएगी अगर आपके पास तुलसी का प्लांट है। और दूसरी चीज़ हमको चाहिए वो है अदरक। अब ध्यान रखना, अदरक जो है वो धुला हुआ होना चाहिए, एसिडिक वाला नहीं। जो एक कुछ अदरक आपको मार्केट में मिलेंगे जो बहुत स्मूथ होगा, जिसका सरफेस आपको लगेगा अरे वाह ये तो बहुत साफ सुथरा है, वो अदरक जो होता है वो ज़्यादातर एसिड से वॉश किया जाता है, तो वो अदरक ना यूज़ करें। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, इलायची। इलायची के बिना आपको वो खुशबू नहीं आएगी, और इलायची का भी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है कि वो आपकी आवाज़ को और आपकी सांस को, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको क्लीन करता है, हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये है पेपर पाउडर। ठीक है, ब्लैक पेपर पाउडर है, अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि ब्लैक पेपर अगर साबुत है और आप उसको कूट के डालोगे तो उसमें एटलीस्ट प्योरिटी की गारंटी होगी कि वो असली ब्लैक पेपर है। यहाँ पर मैंने पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि मैं जहाँ से लेके आया हूँ मुझे पता है वहाँ पर जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्टोर है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ऑलराइट, तो और क्या चीज़ें हैं, देखिए दूध तो आपको चाहिए होगा, विदाउट मिल्क तो चाय बनेगी नहीं, और जो चाय हम पीने वाले हैं वो दूध वाली ही है क्योंकि मोस्टली लोगों को दूध वाली चाय के साथ ही प्रॉब्लम होता है। तो एक तो दूध हमें चाहिए, दूध कौन सा लेना है, कुछ लोग क्या करते हैं फुल क्रीम मिल्क या फिर बफेलो मिल्क यूज़ करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि चाय जो होती है वो गाढ़ी अच्छी होती है, बट लेट मी टेल यू चाय नॉर्मली एसिडिक होती है, तो अगर आप उसमें गाढ़ा दूध का इस्तेमाल करोगे तो आपके गले में ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी खराश की। तो काओ मिल्क यूज़ करो, यहाँ पर मैं जो दूध यूज़ कर रहा हूँ वो कंट्री डिलाइट ब्रांड का है क्योंकि आउट ऑफ सो मेनी ब्रांड्स जो हम दूध पीने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी ब्रांड के दूध हम लेते हैं उसमें मुझे जो अच्छा लगा वो कंट्री डिलाइट का लगा, इट्स मैं जो जनरली यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑफकोर्स ये आपको चाहिए होगा कूटने के लिए, एंड यस वी हैव शुगर एंड टी, तो ये चीज़ें हमें यूज़ करनी है चाय बनाने के लिए, और ऑफ कोर्स वी नीड सम वाटर। तो ये मेरा प्रोसेस है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले वो दूध डाल देते हैं और बाद में बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, बट मैं थोड़ा पानी के साथ चाय बनाता हूँ। द रीज़न इज कि जितनी पतली चाय होगी उतना ज़्यादा वो आपके लिए फ़ायदा करेगी, ना कि जितनी गाढ़ी चाय। ये दूध नहीं है कि आपको फ़ायदा करेगा, ये चाय है। और चाय जो नॉर्मली कुछ लोग चाय पीते हैं, नॉर्मली कैसे चाय पीते हैं, ज़्यादातर लोगों के घर में जो चाय बनती है वो बनती है उसमें ये सब चीज़ें नहीं डलती, हर्ब्स वगैरह कम डलती हैं, तो अगर आप वैसी चाय पी रहे हो तो वो बहुत एसिडिक होती है और आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान करेगी। ठीक है, तो आइए प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा वेट करना है कि पानी थोड़ा गर्म हो जाए क्योंकि उसके बाद मैं चीज़ें ऐड करना शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं ऐड करने जा रहा हूँ तुलसी लीव्स। ठीक है, अब ये डायरेक्टली नहीं डालनी है, ये मैंने थोड़ी भिगा के रखी थी ताकि साफ हो जाए वो और ज़्यादा, और उसको आपको जस्ट तोड़ के ब्रेक करना है और ऐसे डाल देना है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज अदरक। ओके, तो वो गैस का फ्लेम ऑन रहेगा, और ये इतना अदरक मैं ले रहा हूँ क्योंकि हम दो लोगों की चाय बनाने जा रहे हैं, और थोड़ा अदरक ज़्यादा आप लें तो वो आपके लिए फायदा करेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आपको पता ही है इसको कूटना है अच्छे से,
जितना अच्छे से कूटोगे उसका जूस बाहर आएगा और वो जल्दी आपकी चाय में घुल जाएगा। अगर आप कुछ लोग होते हैं वो अदरक को छोटा छोटा पीस काट के डालते हैं, तो पर्सनली मुझे वो ज़्यादा सही तरीका नहीं लगता, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है अदरक का जूस जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो बेस्ट वे है उसको अच्छे से एकदम क्रश कर दीजिए इस तरीके से, और इसको ऐड कर दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है ये, अदरक को ऐड कर दिया तो ये ऐसा दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा आप चाहे तो थोड़ा बॉईल कर सकते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए पानी के साथ और एक काइंड ऑफ जूस बन जाए उसका वहां पर, और रेस्ट ऑफ द चीज हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। तो गाइस देखो उबाल आ चुका है बढ़िया से, और आप देखो ये काढ़ा जैसा इसने कलर ले लिया है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर आप ये स्टेप स्किप कर दोगे और जस्ट फटाफट सारी चीजें एक साथ ऐड कर दोगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम जो अब ऐड करेंगे इम्पोर्टेंट चाय बनाने के लिए वो है चाय पत्ती। तो चाय पत्ती जो है वो आप थोड़ा सा ऐड करेंगे, मुझे अंदाजा है आप अपने हिसाब से जितनी चाय पत्ती आप लेना चाहते हो आप लो। तो ये मैंने ऐड कर दी, अब एक सडन बॉइल आएगा क्योंकि टी का बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो वो और ज़्यादा हेल्प कर देता है। ओके, तो आप ये थोड़ा सा ऐड और कर दिया। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से ऐड करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं कड़क चाय पीते हैं, कुछ लोग होते हैं कम कड़क चाय पीते हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, इट्स अप टू यू। और नेक्स्ट चीज़ है चीनी। चीनी 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 की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं है, ये तो मैं वो भी दिखा देता, और एक बार में क्यों ना हम एक ही तरह की चाय बनाए। ऐसी बहुत तरह की चाय बनती है, ये तो एक ऐसी चाय है क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट जिसमें है वो नॉर्मली लोगों के घर पर अवेलेबल होते हैं, तो ये एक तरह की चाय है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो इसमें हमने चीनी ऐड करना है नेक्स्ट स्टेप, तो दो लोगों के हिसाब से मैं चीनी ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये मैंने ऐड कर दी। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हो जैसे मैंने बता दिया आपको। अब ये काफ़ी बढ़िया हो चुका है। अच्छा, अब इसमें ना चाय में क्योंकि हमने अदरक को पहले उबाल लिया है, काफ़ी उबाल लिया है, तुलसी को उबाल लिया है, तो वो फ्लेवर जो है हर्ब्स के जो इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिन चीज़ों के, वो तो ऑलरेडी पानी के साथ घुल चुके हैं। तो अब चाय पत्ती को आप उतना ना भी उबालें तो चलेगा। ठीक है, तो चाय पत्ती को खाली उबालते रहोगे बैठ के तो उससे ज़्यादा नुकसान है। तो नेक्स्ट स्टेप हम जल्दी से आ जाते हैं, ज़रा टाइम भी लेते हैं, जो दूध है अब वो हम ऐड करेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो आप कलर देखना है किस तरीके का चाहिए हमें। ये हमने दूध ऐड करा, अच्छा ये कैसा ग्लास है कि इसमें सब दूध इधर उधर गिर रहा है, गॉड नोज। तो थोड़ा सा और देख लो आप कलर कैसा हो रहा है, थोड़ा मिल्की कलर आ रहा है क्योंकि हम तो इसको देर तक थोड़ा बॉईल करने वाले हैं, तो हम थोड़ा मिल्की पे ही छोड़ेंगे। अब इसको थोड़ा बॉईल होने देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि दूध भी पक जाना चाहिए अच्छे से अगर आप चाय पीना चाहते हो टेस्टी वाली, जिसे कहते हैं ना बढ़िया चाय, वो बढ़िया चाय बनती है जब वो देर तक बॉईल होती है थोड़ा। ठीक है, लेकिन चाय पत्ती को पानी के साथ आपको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है क्योंकि वो स्टेप ज़रूरी नहीं है, वो आपके लिए नॉर्मल आदमी के लिए चाय जो होती है वैसे ही बनाएगा, हम जो बना रहे हो मेडिसिनल बना रहे हैं। तो ये यहाँ तक स्टेप हो चुका है, आप चाहो तो इसी वक्त साथ साथ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, तो मैं थोड़ा सा ही यूज़ करने वाला हूँ फिलहाल, एक पिंच। आप थोड़ा सा और ऐड भी कर सकते हैं चलो, क्योंकि यार क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है अभी। और अभी इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है, सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम बढ़िया हो गई हैं। तो आप जब चाय बनाओगे ये वाली तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे इलायची को चाय पीने से जस्ट पहले। तो गाइज अब देख रहे हो ये चाय बॉईल हो रही है, काफ़ी इसका अच्छा टेक्सचर आ रहा है, ये जो बीच में मलाई जैसा आपको दिख रहा है बॉईल होते होते, इससे पता लगता है कि चाय पक रही है। जैसे जैसे डार्क होता जाएगा आपके चाय का कलर भी डार्क होता जाएगा, तो मेक श्योर ज़्यादा डार्क ना हो जाए, चाय लाइट कलर में ही रहे, लाइट ब्राउन में, एंड हम लोग चेक करते रहेंगे। ओके, क्या खुशबू आ रही है। अच्छा, अब इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची, क्योंकि चाय ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है, इसको थोड़ा सा बॉयल अगर आप चाहते हो और अच्छे से करना तो आप कर लो। मैं इसमें इलायची ऐड कर रहा हूँ, इलायची डायरेक्ट ऐड नहीं करनी है, कुछ लोग बस इलायची लेके ऐसे डाल देते हैं, नहीं इसको आपको अलग करना है छोटे छोटे टुकड़े, और जो इसके अंदर का असली इलायची का जो दाना है वो अंदर जाना चाहिए चाय में अलग से। ठीक है, तो या तो अगर बहुत हार्ड हो रहा होगा इलायची तो उसको तो आपको कूटना पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे खुल जाए, खुल गया ये, तो इसको भी हमने चाय में डाल दिया। दो इलायची मैंने डाली है फिलहाल, और उसका फ्लेवर उसमें ऐड होने देते हैं एंड फिर इसको सर्व कर लेंगे। ओके, सो गाइज अब बॉयल होते होते ये आप देख रहे हो चाय थोड़ी सी थिक होनी स्टार्ट हो गई है,
तो ये जैसे आपको लगे चाय थिक हो रही है ना थोड़ी सी, समझ लो कि आपकी चाय पक चुकी है। हमको बहुत ज्यादा पानी वाली चाय नहीं बनानी है, क्योंकि पानी तो हमने ऑलरेडी इसमें ज्यादा ऐड कर रखा है, तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जो और आखिरी स्टेप है वो है चाय को सर्व करने का। वाह, आप देख सकते हो मैंने एग्जैक्ट 2 कप ही चाय बनाई है, ना कम ना ज्यादा। तो आप देख सकते हो चाय का कलर बिल्कुल जैसा चाय का कलर होना चाहिए, इसको देख लीजिए। एंड एक चाय मैंने बनाई है अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। तो आप भी ऐसे करो, अच्छे पति बनो, चाय बनाओ, अपनी वाइफ को पिलाओ और आपका भी जीवन सुख से कट जाएगा।